हेलो फ्रेंड्स, biharrecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को बिहार के प्रसिद्ध आलू और परवल की भुंजिया बनाने की विधि बताऊंगी। तो देखिए, हमने यहाँ 200 ग्राम आलू लिया है और 4 से 5 पीस हमने यहाँ परवल लिया है। ये देसी परवल है। इसको हमने इसका हल्का हल्का छिलका उतार के और हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। आलू को भी कट कर लिया है और साफ पानी से धो लिया है। और मसाले में हमने यहाँ लिया है ये हरी धनिया है बारीक कटा हुआ, ये 8 से 10 कली लहसुन है, एक हरी मिर्च है और ये जीरा और काली मिर्च है, साबुत है। और ये है जीरा तड़का के लिए, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, तीखा और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। तो हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ इसे लहसुन को और जीरा और काली मिर्च को दरदरा कूट लेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लगे तो आप इसमें परवल डाल दीजिए और इसको आलू से पहले डाल के थोड़ा फ्राई कर लीजिए। आलू से पहले फ्राई करने में ये थोड़ा क्रंची हो जाता है, दोनों साथ में डालिएगा तो ये सॉफ्ट ही रह जाता है। तो हम इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया है, ये थोड़ा क्रंची क्रंची हो गया है। अब हम इसमें आलू मिला देंगे और आलू को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको थोड़ा आप ढक ढक के भी फ्राई कर सकती हैं, जल्दी बनेगा। तो देखिए, ये थोड़ा फ्राई हो गया है। हम इसमें नमक मिला देंगे। और इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें जो अदरक, जो हमने लहसुन और हरी मिर्च का जो है दरदरा कूट के रखे हैं वो डाल देंगे, और जीरा काली मिर्च इसे भी हमने दरदरा कूट लिया था इसे भी मिला देंगे। साथ ही हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और हम इसे अच्छे से चला लेंगे। थोड़ी देर हम लो फ्लेम पे इसे सभी मसाले को अच्छे से पका लेंगे। और इस बीच हम चेक करेंगे कि हमारा जो है आलू पक गया है कि नहीं। तो अभी ये थोड़ा कच्चा है, ज़्यादा अच्छे से पका नहीं है, तो हम इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो देखिए, सब कुछ मिक्स हो चुका है, मसाला और आलू जो है अच्छे से पक गया है। अब हमारा भुजिया तैयार है। इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला लेंगे और हम इसे किसी प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार इस तरह वीडियो को देखकर ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल बिहारी रेसिपी सीमा तिवारी है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।